हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका टेक्निकल संदीप गुरु चैनल में। आज हम फिटर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर लेकर आए हैं, और ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एग्ज़ाम के पर्पज़ पे हमने ये सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं ढूंढकर, और इसको हमने बना के आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, और बेल घंटी को भी दबाना ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, जिससे आगे मेरा जो भी वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिटर सब्जेक्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर पहला है दोस्तों, मीट्रिक चूड़ी के लिए बने टूल को चेक करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर दिया है दोस्तों सेंटर गेज का। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर दो आपके सामने है, फाइल में धातु के कण फंस जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो फाइल में जो धातु के कण फंस जाते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उत्तर दिया दोस्तों पिनिंग ऑफ फाइल, पिनिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर तीन आपके सामने है, ड्रिलिंग मशीन 1 मिनट में जितनी दूरी तय करती है उसे क्या कहते हैं। तो उत्तर दिया दोस्तों इसका कटिंग स्पीड। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर चार आपके सामने है, किस स्क्राइबर को वर्नियर हाइट गेज के साथ प्रयोग में लाया जाता है। तो उत्तर दिया दोस्तों ऑफसेट स्क्राइबर। स्क्राइबर चार प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला होता है स्ट्रेट स्क्राइबर, दूसरा बेंड स्क्राइबर, तीसरा एडजस्टेबल स्क्राइबर, चौथा ऑफसेट स्क्राइबर, जो कि आप ऑफसेट स्क्राइबर देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर पाँच आपके सामने है, ड्रिल का चीजल कटिंग एंगल कितने डिग्री का होता है। 120 से 135 डिग्री। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर छः आपके सामने है, कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग के साथ स्क्राइबर होता है। उत्तर दिया दोस्तों स्क्वायर हेड के साथ। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर सात आपके सामने है, हैचेट स्टेक का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। उत्तर दिया दोस्तों फोल्ड करने में, FOLD, फोल्ड करने में। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर आठ आपके सामने है, डाई किस धातु मटेरियल की बनी होती है। तो उत्तर है दोस्तों इसका हाई कार्बन स्टील। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर आपका नौ है, एल्युमिनियम की प्लेटों की रिबिटिंग करने के लिए किस रिबिट का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तर दिया दोस्तों एल्युमिनियम रिबिट का। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर दस आपके सामने दिया, कौन सा स्टेक डबल एंडेड आश्रय प्रदान करती है। तो हॉर्स स्टेक। उत्तर दिया दोस्तों हॉर्स स्टेक। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर ग्यारह आपके सामने है, स्क्रू थ्रेड पर किसी चूड़ी के एक पॉइंट से दूसरी चूड़ी के उसी पॉइंट तक की दूरी को क्या कहते हैं। तो पिच कहते हैं। नॉर्मल भाषा में दोस्तों स्क्रू जो होता है एक पिच से लेकर दूसरे पिच की दूरी के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर बारह आप देखते हैं, बारह किसी होल में टूटे टैप को निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा स्टड एक्सट्रैक्टर का। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर तेरह आपके सामने है, किसी सुराख के बीच में लगी रॉड पर चूड़ी काटने के लिए किस डाई का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तर है दोस्तों एक्रॉन डाई का। प्रश्न नंबर चौदह दिया दोस्तों आपके सामने, स्लिप गेज टेट्राक्लोराइड में धोने के बाद उसे किस कपड़े से साफ किया जाता है। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने आपको स्लिप गेज के धोने के बारे में बताया था, तो टेट्राक्लोराइड से धोने के बाद उसे क्या किस कौन से कपड़े से धोना पोछना चाहिए, साफ करना चाहिए। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा लीलन कपड़े से साफ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर पंद्रह दिया आपके सामने, ढलाई किए हुए जॉब में सुराख करने के बाद सुराख की ऊपरी सतह या बोर के फेस पर समतल सतह बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों उत्तर होगा स्पॉट फेसिंग का। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर सोलह आपके सामने है, बिंग नट को कहते हैं, बिंग नट का दूसरा नाम क्या है। तो बिंग नट का दूसरा नाम है दोस्तों, उत्तर दिया है फ्लाई नट या पंखुरी नट। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर सत्रह आपके सामने दिया है, लॉक ओपनिंग का प्रयोग किस लॉक को खोलने के लिए किया जाता है। तो उत्तर दिया दोस्तों शाफ्ट पर लगे हुए सर्कुलर लॉक को खोलने के लिए। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर अठारह आपके सामने दिया है, डॉट पंच का पॉइंट एंगल कितने डिग्री का होता है। तो डॉट पंच का पॉइंट एंगल होता है दोस्तों 60 डिग्री का। पंच का क्वेश्चन सर दोस्तों बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला सेंटर पंच का 90 डिग्री होता है, दूसरा डॉट पंच का 60 डिग्री होता है, और एक होता है प्रिक पंच। ये तीनों का एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछता है किसी भी एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों पंचों को आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 60 डिग्री, डॉट पंच का जो एंगल होगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, एयरक्राफ्ट में किस रिबिट
का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा पॉप रिपीट। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने है, हैंड वाइस की किस धातु की बनी होती है। हैंड वाइस की किस धातु की बनी होती है, तो माइल स्टील या कास्ट आयरन की। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 21 आपके सामने है, खाली स्थान प्रयोग भट्टी में कोयला डालने व निकालने के लिए किया जाता है। उत्तर हो जाएगा दोस्तों सावल। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 22, एंगल प्लेट कितने प्रकार की होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एंगल प्लेट चार प्रकार की होती है। पहला प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट, स्लाटी एंगल प्लेट, सीवेबल एंगल प्लेट, चौथा बॉक्स एंगल प्लेट। ठीक है दोस्तों, ये चारों आप एंगल प्लेट को याद रखिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर आपके 23 देखते हैं, कैलिपर किस प्रकार का औजार है। तो कैलिपर जो औजार हैं वर्नियर कैलिपर, वो अप्रत्यक्ष मापी यंत्र हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 24, स्नैप गेज किस आकार का बना होता है। जो स्नैप गेज होता है किस आकार का रहता है दोस्तों, तो सी आकार का। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 25 आपके सामने है, किसी जॉब की सतह को समतल करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो फ्लैटर्स का। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 26 आपके सामने है, फ्लैट फाइल का आगे का भाग कितना टेपर में होता है। उत्तर दिया दोस्तों 1/3 भाग। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा कि फ्लैट फाइल का जो आगे का भाग होता है कितना टेपर रहता है, तो 1/3 भाग। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 27 आपके सामने है, खाली स्थान प्रयोग गोल जॉब पर समानांतर रेखा या लाइन खींचने के लिए किया जाता है। उत्तर दिया दोस्तों की सीट रूल। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 28 आपके सामने है, किस बियरिंग में अक्षीय थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल लोड लेने के लिए उपयुक्त होता है। उत्तर दिया दोस्तों कॉन्टैक्ट। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 29 आपके सामने है, स्लेज हैमर का भार कितना केजी होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैमर का एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। स्लेज हैमर का जो भार होता है वो 2 किलो से 10 किलो का होता है, और बालपिन हैमर जो होता है 250 ग्राम का होता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 30 आपके सामने है, जैनिक कैलिपर की मुड़ी हुई लेग लगभग कितना होता है। उत्तर दिया दोस्तों 5 मिलीमीटर 450 पर। प्रश्न नंबर 31 आपके सामने दोस्तों, फाइल के फेस पर प्रथम कट को क्या कहते हैं। उत्तर दिया दोस्तों ओवर कट। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 31 का जो उत्तर हो जाएगा ओवर कट। प्रश्न नंबर 32, मेजर डायमीटर खाली स्थान का सबसे बड़ा व्यास होता है, तो उत्तर होगा दोस्तों स्क्रू थ्रेड का। प्रश्न नंबर 33 है, वाइस क्लैम किस धातु का बना होता है। जो वाइस क्लैम बनाया जाता है वो किस धातु का बना होता है, तो मुलायम धातु का बनता है। मुलायम धातु कौन सा है, एल्युमिनियम। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 34 आपके सामने है, कौन सी डाई का प्रयोग पुरानी चूड़ियों को साफ करने के लिए किया जाता है। तो उत्तर दिया दोस्तों डाइनट। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 35 आपके सामने है, हाई कार्बन स्टील चीजल का कटिंग एज लगभग हार्ड व टेम्पर कितने mm तक होता है। उत्तर दिया दोस्तों 25 mm से लेकर 35 mm तक। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 36 आपके सामने है, पैरेलल ब्लॉक कैसा होता है। जो पैरेलल ब्लॉक होता है वो कैसा होता है, तो दोस्तों आयताकार होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 37, मार्किंग टेबल का स्टैंड किस धातु का बना होता है। मार्किंग टेबल का जो धातु होता है वो किस धातु का स्टैंड किस धातु का बना होता है, तो उत्तर दिया दोस्तों माइल्ड स्टील। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 38 आपके सामने है, सोल्डरिंग एक प्रकार का फास्टनर है, अर्ध स्थाई। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 39 आपके सामने है, लेथ टूल को अलाइन करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है। जो लेथ मशीन होता है उस पर जो गेज प्रयोग किया जाता है, कौन सा गेज रहता है, तो सेंटर गेज। ओके दोस्तों, अलाइन करने के लिए, अलाइनमेंट करने के लिए। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 40 आपके सामने, टूल मेकर क्लैंप का प्रयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। उत्तर दिया दोस्तों समांतर और फिनिश जॉब को क्लैंप करने के लिए। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर आपके सामने आता है 40 के बाद 41, दो लाइनों से रिविटिंग के केंद्रों की एज की दूरी कितनी होती है। उत्तर दिया दोस्तों इसका 1.5 डी, जहां डायमीटर है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 42 आपके सामने, हैक्सो ब्लेड की मोटाई कितनी mm होती है। जो हैक्सो ब्लेड होती है उसकी मोटाई कितनी होती है, तो उत्तर दिया दोस्तों 0.6 से 0.8 mm तक। ठीक है दोस्तों,
पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि हेक्साब्लेड की मोटाई कितनी होती है, 0.6 mm से लेकर 0.8 mm तक। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 43 आपके सामने है। सरफेस प्लेट की शुद्धता प्रतिशत हाई सपोर्ट में मापी जाती है। उत्तर दिया दोस्तों प्रति वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 44 आपके सामने है। हल्के कार्यों के लिए किस रिवेट का प्रयोग किया जाता है। उत्तर दिया दोस्तों प्लेट हेड रिवेट। दोस्तों प्रश्न नंबर 45 आपके सामने है। ट्राई स्क्वायर द्वारा जॉब को चेक किया जाता है। उत्तर दिया दोस्तों 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ट्राई स्क्वायर का दूसरा नाम गुनिया भी होता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 46 है आपके सामने। एल स्क्वायर की दोनों भुजाओं पर खाली स्थान निशान अंकित होते हैं। उत्तर दिया दोस्तों इंच और सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 47 है। पंच के पॉइंट को खाली स्थान किया जाता है। जो पंच का पॉइंट होता है उसको क्या किया जाता है, तो हार्ड व टेम्पर किया जाता है। उत्तर है दोस्तों हार्ड व टेम्पर। प्रश्न नंबर 48 है दोस्तों। हेलिकल गियर में हेलिक्स एंगल रखा जाता है 25 से 45 तक। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 49 आपके सामने है। डिस्क पर कितने डिग्री तक बना होता है। जो डिस्क होता है उस पर 0 से लेकर 180 डिग्री तक बना होता है कौन। प्रश्न नंबर 50 आपके सामने। और फाइनल दोस्तों फाइनल क्वेश्चन है, भारी मशीनों को उठाने के लिए किस बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तर दिया दोस्तों आई बोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके सामने 1 से लेकर 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाएँ, भेल गेल सेल DRDO वगैरह है ना, ETC, उसमें ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयारी कर ले, और उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे हमारा आगे जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें।